चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डीएमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पहले पड़ाव में 64 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें चढ़ती कला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। इस सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। सरदार जगजीत सिंह दर्दी की तरफ से पत्रकारिता के क्षेत्र में निभाई जा रही सेवाओं को लेकर उन्हें ये सम्मान दिया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में 34 महिलाएं भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कार देने के लिए दूसरा समारोह राष्ट्रपति भवन में 28 मार्च को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व जल दिवस पर पानी की एक एक बूंद बचाने का अपना आह्वान दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों और संगठनों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विश्व जल दिवस के मौके पर आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने के अपने संकल्प को दोहराएं। हमारा देश जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल तथा नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के सभी हिस्सों में हो रहे अभिनव प्रयासों के साथ जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। मैं उन सभी लोगों और संगठनों की सराहना करना चाहता हूं जो जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के महत्व और इस संबंध में उनकी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से जुड़ा वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया। आम आदमी पर महंगाई का फिर से बड़ा झटका लगा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित मुंबई और अन्य शहरों में एक बार फिर से एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल 14.2 किलोग्राम घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी बड़ी कीमत के साथ आज से रसोई गैस एलपीजी की कीमत 949.50 रुपए होगी। बता दें कि पिछले साल 6 अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है। वहीं इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी पिछले साल के बाद पहली बार 80 पैसे प्रति लीटर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक है, क्योंकि इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी 137 दिन बाद आज वृद्धि की गई है। नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल भी अब 87.47 रुपए हो गया है। पंजाब विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की तरफ से आज 3 महीने का बजट पेश किया गया। यह बजट 37,000 करोड़ रुपए का तय किया गया है। विधानसभा में आज वोट एंड अकाउंट बिल भी पेश किया गया। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा अगले सत्र में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायक नए हैं, उन्हें तैयारी के लिए समय चाहिए। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने कल शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर कल पूरे पंजाब में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ नवांशहर में छुट्टी की जाती थी, लेकिन अब सीएम भगवंत मान ने पूरे पंजाब में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। भगवंत मान की सरकार में मंत्रियों को विभिन्न विभाग सौंप दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में नेताओं द्वारा मंत्री पद की शपथ ले ली गई थी, लेकिन इन मंत्रियों को विभाग नहीं सौंपे गए थे। जिन्हें विभाग सौंप दिए गए हैं, इनमें से भगवंत मान के पास सबसे ज्यादा विभाग हैं प्रशासनिक सुधार, नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासन, गृह मामले और न्याय, सुरक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी, शिकायतों का निवारण विभाग रहेंगे। इसमें हरभजन सिंह ईटीओ को बिजली लोक निर्माण विभाग, हरपाल चीमा को वित्त योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग सौंपा गया है। इसी तरह से मीत हेयर को शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा सेवाएं विभाग सौंपा गया है। डॉक्टर बलजीत कौर को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। हरजोत बैंस को कानून और टूरिज्म व सांस्कृतिक मामले, जेल विभाग सौंपा गया है। और विजय सिंगला को हेल्थ मंत्रालय और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, कुलदीप सिंह धालीवाल ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया गया है। लालचंद को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, वन वन्य जीवन विभाग सौंपा गया है। लालजीत सिंह भुल्लर को ट्रांसपोर्ट व ब्रह्मशंकर को जल आपूर्ति और स्वच्छता व राजस्व पुनर्वास आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। पंजाब विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करके सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों में चुनावी अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी अब
गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में उतरेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी अप्रैल में गुजरात में चुनावी अभियान शुरू करेगी। वहीं 2 अप्रैल को आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रोड शो में हिस्सा लेंगे। गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात में अभी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने भी अपने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां करने शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले न सिर्फ मंदिरों को चमकाया जा रहा है बल्कि समारोह में साधु संतों की मौजूदगी कार्यक्रम को यादगार बनाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए तैयारियां चरम पर हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, विस्तारक, पदाधिकारी, महापौर, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्रियों को न्योता भेजा जा रहा है। इसके अलावा साधु संत और अन्य विद्वान हस्तियां भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। प्रदेश में भाजपा के करीब 27,000 शक्ति केंद्रों से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है जिसके लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सभी जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। पदाधिकारियों को कार्यक्रम को निर्विघ्न सम्पन्न बनाने की जिम्मेदारी दी गयी है। विश्व के कई भागों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को टीके की बूस्टर खुराक दी जा रही है। देश में गत 16 मार्च से 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है और इससे पहले भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई थी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार 132 लोगों में से अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया है और आज मंगलवार को भी तलाश अभियान जारी है। विमान दक्षिणी प्रांत गोवा गंगशी में सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हादसे के कारण पहाड़ी इलाके में आग लग गई थी। मंगलवार सुबह बताया गया कि घटनास्थल पर विमान का मलबा मिल गया है लेकिन अभी तक उसमें सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। बोइंग 737-800 विमान कुनमिंग से गुआंजो जाते समय गोवा गंगशी क्षेत्र में वुजो शहर के पास हादसे का शिकार हो गया था। चीन के नागरिक उड़ान प्रशासन ने बताया कि विमान में 123 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक व्यापक बचाव अभियान चलाने और नागरिक उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ हादसे के पूर्व जांच करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं चीन की 3 सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शामिल चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने सोमवार को हुए हादसे के बाद अपनी सभी बोइंग 737-800 विमानों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट का रंग भी बदलकर काला कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से कालाहिन शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान की तरफ से दायर की गई ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार कर ली है। अब सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका के स्वीकार होते ही अब सलमान को बार बार पेशी के लिए अलग अलग अदालतों में हाजिर नहीं होना होगा। दरअसल सलमान खान की तरफ से तीनों मामले की सुनवाई एक ही जगह ट्रांसफर करने की याचिका लगाई गई थी और इसी ट्रांसफर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी ने इस मामले की सुनवाई की थी। सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत पेश हुए थे। 1998 में कांकानी गांव में काले हिरन के शिकार करने के आरोप में सलमान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तब कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा भी सुना दी थी। इन 3 याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।